तो हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज साज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक मोटो व्लॉग्स। तो आज का जो ये व्लॉग होने वाला है, ये होने वाला है संडे की ग्रुप राइड पे। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर, वहाँ से हम जाएंगे आगे मनकाउ हेड्स। मैं गया नहीं हूँ, मेरी फर्स्ट राइड है, तो चलिए देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है ग्रुप में और धीरे धीरे सीखेंगे। बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है और स्पेशली मक्खन जैसी सड़कों पर और कॉर्नरिंग करते हुए। तो जो मेरे फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो न्यूजीलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है राइड्स के लिए स्पेशली। ये है रेजिडेंशियल रोड्स, यहाँ 50 का जोन होता है स्पीड लिमिट, तो यहाँ पर हम 50 में चलेंगे। पर आज देखते हैं, मेरे हिसाब से जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कंट्री रोड्स होंगी ना, घर कम होंगे, शायद बगल में पहाड़ हों, खेत हों, तो नया एक्सपीरियंस होगा। और वहाँ की आई थिंक स्पीड 80, 70 और 100 हो सकती है, तो वो भी नया एक्सपीरियंस होगा। विंड ब्लास्ट यहाँ काफ़ी होता है, तो देखते हैं विंड ब्लास्ट में वॉइस कैसी रिकॉर्ड होती है। तो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं मेरे फ्रेंड हैं इनके घर। किसी के थ्रू मैंने इनका कांटेक्ट लिया था, तो चलिए पहले उनको मिलेंगे, फिर यहां से हम दोनों इकट्ठे निकलेंगे, फिर बीपी मनकाउ गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप, तो वहां रुकेंगे। वहां सब राइडर्स आएंगे, जो आई थिंक वी आर 4 टुडे, तो 4 राइडर्स हमें ज्वाइन करेंगे और फिर आगे की राइड होगी ग्रुप। How are you? Oh, yeah, I'm alright, sorry. Which one is the Manukau BP? All good. Sit. तो चलिए शुरू करते हैं। तो guys, मैं थोड़ा late हो गया हूँ, पर I guess वो सामने है petrol station. तो चलिए। सॉरी जी, वो जीपीएस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। और जी सॉरी, मेरा ही साजन, वो जीपीएस था नहीं तो मैं लेट हो गया। मैं एक्चुअली मैंने उधर को एग्जिट ले लिया, मुझे वो पता था, वहाँ पहले मैं जाता रहता हूँ ना। आप जिधर को गए मैं दूसरी तरफ से आया। हाँ नहीं, मैंने कहा आप निकल गए तो क्या, फिर लेट हो जाएगा। ये वाली अच्छी है इंडियन ना। तो आज हमें 4 जने, हम जा रहे हैं कावा कावा बे। तो चलिए शुरू करते हैं राइड।
तो गाइस यहाँ पे हम दोबारा मिले हैं एक्चुअली, अलग अलग हो गए थे राइडर्स और यहाँ से फिर से शुरू करते हैं राइड आगे की। तो M1 वाले हमें लीड करेंगे, यामा का M1 गाइस जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त है R1 का है, सॉरी R1 है। तो न्यूजीलैंड में राइडिंग का अलग ही मज़ा है यार, मतलब हम चार जने जा रहे हैं, ये जो मेरे सामने हार्ले में जा रहे हैं इनको कांटेक्ट किया था किसी के थ्रू, और दो राइडर्स और आए, तो एक के पास है यामा की R1M जिसका वॉक अराउंड मैंने वीडियो गोप्रो में लिया, और एक के पास है इंडियन, और इनके पास है हार्ले डेविडसन, और मेरी सबसे छोटे सेगमेंट वाली कावासाकी निंजा 400। सनी डे है, बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड करके, आप देख सकते हैं हरियाली हर तरफ। होपफुली आज वीडियो का वॉइस रिकॉर्ड हो रहा हो। जब ये तीनों बाइक ऑन हुई मेरी बाइक का तो साउंड ही नहीं सुन रहा था, इतनी लाउड है ना क्या बताऊं गाइस, बहुत जबरदस्त। ये जा रहा है R1M, रूप राइड का अलग ही मजा है गाइस। व्यू देख सकते हैं कितना जबरदस्त आ रहा है। हाँ 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 व्यू देखिए, गाइस हम आ गए हैं कावा बे, वो फुली रिकॉर्डिंग हो रही हो। आज की संडे राइड, फिर से आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।
Thank you.